जी हाँ किसान भाइयों, यानी आज हम बात करेंगे राजस्थान मौसम को लेकर बड़ा अपडेट है। तो किसान भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को भी से लाइक कर दे, और कमेंट करके बताइए आप राजस्थान से किस जिलों से बिलोंग कर रहे हैं, ताकि आपके ज़िले का मौसम आपको हम सही हाल आपको बता सकें। तो किसान भाइयों, राजस्थान मौसम को लेकर बड़ा अपडेट है। कहीं ना कहीं सीकर व नागौर इन जिलों में यहाँ पर ओलावृष्टि की बारिश हमें देखने को मिली है। फिर भी मौसम विभाग ने यानी राजस्थान के 9 जिलों में बारिश की चेतावनी दे डाली। यानी राजस्थान के 9 जिलों में बरसात में कहीं कहीं ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग ने किया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कई इलाकों में बरसात का दौर अभी भी जारी रह सकता है। आपको बता दें, 5 जनवरी तक सीकर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, दौसा, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी समेत इन पूर्वी जिलों में बारिश में गतिविधियाँ जारी रहेगी। हालांकि गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा झुंझुनू में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपको बता दें, इसी के साथ इन क्षेत्रों में ओले भी गिरने की मौसम विभाग ने आशंका जताई है। आपको बता दें, 6 जनवरी से बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी आ जाएगी। हालांकि उत्तरी पूर्वी हिस्सों में 6 जनवरी को छिटपुट वर्षा या गरज के साथ बूंदाबांदी की मौसम विभाग ने संभावना बताई है। दूसरी तरफ जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर समेत राजस्थान के पश्चिमी व दक्षिणी जिलों में कहीं ना कहीं इस सप्ताह यानी 3 से 9 जनवरी के बीच मौसम मुख्यतः शुष्क ही बने रहने की संभावना मौसम विभाग ने बताई है। हालांकि राजस्थान में बदले हुए बादल मौसम के चलते पिछले कुछ दिनों से चल रही शीतलहर यानी अब तक समाप्त हो गई है। आपको बता दें, एक बार फिर से प्रदेश में बढ़ सकती है यहाँ पर ठंड। मौसम विभाग ने अनुसार माने तो आने वाले दिनों में सर्दी एक बार फिर से बढ़ेगी। मौसम विज्ञानियों की माने तो यहाँ पर 5 जनवरी तक राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में कहीं ना कहीं सामान्य से ऊपर तक बना रहेगा तापमान। इसी के बाद यहाँ पर तापमान में और गिरावट शुरू हो सकती है। इससे पहले पश्चिमी राजस्थान से शुरू होगी जिलों में तापमान गिरना, जैसा कि नागौर, बीकानेर व चूरू, इन जिलों में कहीं ना कहीं अच्छी खासी सर्दी पड़ने की मौसम विभाग ने संभावना बताई है। इसी के साथ ही 6 और 7 जनवरी तक जयपुर, अलवर, सीकर व भरतपुर समेत राज्य के बाकी भागों में तापमान में गिरावट आएगी। इसी के साथ एक बार फिर से शीतलहर का प्रकोप यहाँ पर राजस्थान में शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, ये किसानों के लिए बड़े ही चिंता की विषय है। कहीं ना कहीं इसमें ओलावृष्टि देखने को और हमें मिली है, ये तो फसल भी यहाँ पर तबाह हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सही देना, चैनल पर नए तो हाल है, किसान भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप सारी किसानों से सारी जुड़ी हुई मेहनत खबर कोई मिस ना कर पाए। हो चुकी है। धन्यवाद।